शुक्रवार को भारत ने अपने मित्र देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन की मदद से इन मिसाइलों को फिलीपींस के लिए रवाना किया गया। दरअसल भारतीय सैन्य शक्ति से प्रभावित होकर फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। भारत और फिलीपींस के बीच 2022 में इसको लेकर 37 करोड़ 50 लाख डॉलर का सौदा हुआ था। इसके साथ ही फिलीपींस भारत से अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बन गया है। साथ ही साथ भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वयं को एक बड़े निर्यातक के रूप में पेश किया है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत के DRDO और रूस के NPO के सहयोग से बनाया गया है। आज के समय में इस मिसाइल का 85% हिस्सा भारत में ही बनाया जा रहा है। इसे भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। इसे दुनिया की सबसे तेज हमला करने वाली क्रूज मिसाइल का तमगा हासिल है। इस मिसाइल को भारत के नागपुर से C-17 विमान पर लादकर अब फिलीपींस भेजा गया है। इसके साथ ही 3 और विमान भी थे जिसमें अतिरिक्त सामान भी लदा हुआ था।